और इन बयानों के बीच एक और खबर जो कि चुनावी राज्य झारखंड से है। चुनावी हलफनामे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर के विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 5 साल में किसी की उम्र 7 साल कैसे बढ़ जाती। ये सवाल इसीलिए उठाया गया क्योंकि 2019 के हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई और इस बार यानी कि 2024 में हेमंत सोरेन ने हलफनामे में अपनी उम्र 49 साल बताई है। सरकार की वेबसाइट पर भी हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 की बताई गई है। अब इसके हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होती है। तो एक बड़ा बवाल जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर के अब छिड़ गया है। उनकी उम्र को लेकर के कहा जा रहा है कि बड़ा गलत ये आंकड़े दे रहे हैं, इनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द किया जाए। और ऐसे में चुनावी हलफनामे को लेकर के एक बड़ा बवाल सामने आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री इस पूरे बवाल के घेरे में है। सोरेन की उम्र को लेकर के विवाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि 5 साल में किसी की उम्र 7 साल कैसे बढ़ जाती है। यह सवाल इसीलिए उठाया गया है क्योंकि 2019 में जो हेमंत सोरेन की तरफ से उम्र बताई गई थी वो 42 साल बताई गई थी और इस बार 2024 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बता दी है। सरकार की जो वेबसाइट है वहां हम आपको देखिए हाईलाइट करके दिखा भी रहे हैं। वेबसाइट में हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 की बताई गई है। अब इसके हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होती है। ये बड़ी खबर झारखंड के राजनीति से जुड़ी हुई उनके मुख्यमंत्री की उम्र को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ गया है और बीजेपी लगातार पूछ रही है कि 5 साल में कोई 7 साल कैसे बड़ा हो सकता है। आखिर अब कौन सा गोलमाल करने वाले हैं चुनाव में। और ये जो चुनाव आयोग की जो साइट है और ये जो एफिडेविट है इसमें उनकी जो उम्र है वो 49 साल है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के मुखर है, लगातार सवाल पूछ रही है। और वही हेमंत सोरेन की उम्र पर तकरार हो रही है और जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। देखिए, जब भी कोई एफिडेविट दिया जाता है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, सरकारी दस्तावेज अटैच किए जाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, अन्य जो उम्र की जो सबूत होते हैं जिसमें मार्कशीट होता है 10वीं का वो अटैच है और उसमें अंकित है कि हेमंत सोरेन जी की उम्र 49 इयर्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास झारखंड के अंदर में ना कोई प्रत्याशी उनको मिल रहा था हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो ये चुनाव से पहले हार मान चुके हैं, इसलिए हताशा और निराशा में इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। कंप्लेन किया है तो चुनाव आयोग इस सारी चीजों पर देखेगी कि एफिडेविट में जो चीजें दी गई हैं और पिछले चुनावों के दौरान जो उन्होंने दिया होगा तो उसमें किस तरह से मिसमैच हो रहा है और चुनाव आयोग जो अग्रेतर कार्रवाई करेगी मैं समझता हूँ उस पर हमारी पार्टी की भी नजर रहेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कंप्लेन किया है इसलिए पार्टी को भी उसको फॉलो करना है पूरा और हेमंत सोरेन की ओर से भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि एफिडेविट में गलती से हो गई या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग से अपेक्षा यही की जाती है कि गलत जानकारी देने के कारण उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो चुनावी राज्य झारखंड या विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तारीखों का ऐलान भी हो चुका है लेकिन अब एक नया बवाल छिड़ता नजर आ रहा है झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी कई आरोप लगा रही है, कह रही है कि भाई 5 सालों में किसी की उम्र, किसी भी कैंडिडेट की उम्र 7 साल कैसे बढ़ सकती है, आप एफिडेविट देख लीजिए। और साथ में ये भी कहा जा रहा 2024 में इस बार वो 49 साल के हैं, इससे पहले 2019 में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया था उसमें वो 42 साल के थे। और चलिए, ये तो चुनावी राज्य झारखंड की खबर थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।